सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गले का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ, जो कि हम यहाँ पे जो हमारे पास पैंट प्लाजो वाला फैब्रिक है इससे तैयार करेंगे। ये हमारे पास पैंट प्लाजो वाला फैब्रिक है और पैंट प्लाजो वाले ही नीचे पट्टी लगी हुई है दामन के ऊपर। और डिजाइन जो तैयार करेंगे दोस्तों, हम पिन टैक्स के साथ में और यहाँ पे इस तरीके की जो कोड़ियां होती हैं इनको लगाते हुए तैयार करेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनने वाला है यहाँ पे। आप पूरी वीडियो देखें और समझें किस तरीके का हमने ये डिजाइन तैयार करना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें कटिंग करनी है। जितना पहले निशान लगाएंगे फिर कटिंग करेंगे। यहाँ पे अब ब्रॉड लेंथ रखनी है हमें 6 इंच, तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। डीप लेंथ रखनी है हमें 8 इंच और यहाँ पे वी आएगा हमारा इस प्रकार से हल्का सा और यहाँ पे राउंड शेप वाला गला आएगा। और जो हम टोटल लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 14 से 14.5 इंच की और इस प्रकार की यहाँ पे शेप डालेंगे। यह सीधा रहेगा यहाँ से और तकरीबन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सीधा रखेंगे। इस प्रकार का हमारा पूरा बॉक्स आएगा सीधा इस तरीके से। और जो बीच का जो पीस आता है, बीच का पोर्शन आता है, उसमें हम यहाँ पे जो हमारी पैंट प्लाजो वाला फैब्रिक है उससे पिन टैक्स डालते हुए डिजाइन कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर फिर ये कोडियो वाला काम करेंगे। बहुत सुंदर सा डिजाइन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने कटिंग कर ली है। इसमें जो मार्जिन रखा है हमने यहाँ पे 1.25 इंच का रखा है। 1.25 इंच इधर रखा है और 1.25 इंच इधर रखा है। ये हमारा फोल्ड के लिए है, इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा। और यहीं पे हम पाइपिंग लगाएंगे पहले और बीच में यहाँ पे काम करेंगे पिन टैक्स वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पिन टैक्स के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं, जो कि सीधा कर लेते हैं कपड़ा। यहाँ पे दो पार्ट में ये हम कपड़ा लेंगे। इस तरीके से एक साइड से इसको सीधा कर लेते हैं। और यहां पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए शुरुआत करते हैं हम पिन टैक्स डालने की। दोनों साइड में इस तरीके से कट लगा लेते हैं। एक पीस हमारा इस साइड का होगा और दूसरा पीस जो है हमारा यहाँ पे इस साइड का होगा। बीच में यहाँ पे गला बनेगा और साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो पिन टैक्स में कवर हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम पिन टैक्स की शुरुआत इस निशान के ऊपर से करते हैं। इस तरीके रखेंगे और एक पैर चौड़ाई वाला पिन टैक्स डालेंगे। अब हमने इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पे कॉटन का पीस है तो आपका आराम से ऐसे ही हो जाएगा। अगर सिल्क वाला है तो आपने प्रेस से सेट करना है। अब हम दूसरा पिन टैक्स डालेंगे तो उतना ही गैप रखेंगे जितनी चौड़ाई से हमें यहाँ पे पिन टैक्स डालना है। टैक्स भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको भी हम इस तरीके से नाखून की मदद से इस तरीके से सेट करते हुए फिर हम तीसरा डालेंगे। यहाँ पे मैं 3 पिन टैक्स डाल के आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
दोस्तों हमने इस प्रकार से तीन पिन टैग्स डाल दिए हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे आपको देखते ही पता लग रहा होगा कैसे हमने डाले हैं। आगे का जो कपड़ा होता है उसमें हम इसी प्रकार से आगे की साइड पिन टैग्स पूरे करते हैं, और जो दूसरी साइड का कपड़ा होता है जैसे मैंने आपको दिखाया था, दूसरी साइड में भी हम इस तरीके से पिन टैग्स को कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों पट्टियों पे यहाँ पे पिन टैग्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। एक पिन टैग्स का रुख हमारा इस साइड रहेगा और दूसरे का इस साइड रहेगा। अब हमें गले की कटिंग करनी है। यहाँ पे जो हमने गले की सेव यहाँ पे डाली थी तो ये भी रख के देख लेते हैं, तो काफी हमारा कपड़ा परफेक्ट है जो हमने पिन टैग्स का डाला है। इस सेव में हम यहाँ पे कटिंग करते हैं गले की। तो गला जैसे मैंने बताया था आपको ब्रॉड लेंथ रखनी है 6 इंच, पाइपिंग लगानी है तो हम 6.5 इंच रख लेंगे, और डीप लेंथ रखनी है हमें यहाँ पे 8 इंच, तो हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से तकरीबन 3 इंच का हम वी बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे सबसे पहले हम गोलाई डाल लेते हैं और यहाँ पे वी कट बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ाते हुए नीचे तक जाएंगे। जितनी हमने यहाँ पे लंबाई रखनी होती है, जैसे लंबाई हमें 15 इंच की रखनी है, तो हम यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 इंच तक का इस प्रकार से कट लगाएंगे। इसी निशान के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। आधा से 1.25 इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस प्रकार से हमने कटिंग कर ली है। अब हम सेंटर में से यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं ऐसे, ये सीधी कटिंग करेंगे ताकि हमारे दो भाग हो जाएंगे गले के ऐसे। दोनों पट्टियों में हमने अलग अलग तैयार करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों पट्टियों में तैयार करने के लिए इन्हें अलग अलग कपड़े के ऊपर, मतलब जो हमारा कमीज वाला पीस है उसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार हमने पेस्ट कर लिए हैं गले दोनों साइड के। अब हम यहाँ पे इनके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं ऐसे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे रखते हुए इसको पलटना होता है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है नीचे की साइड भी गैप बराबर रखना है और यहाँ पे भी आपने बराबर गैप रखना है। इसको आप यहाँ पे रख के देख लें ऐसे जहां तक बुकरम आती हो। और यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखते हुए हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखना है और कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से नोक निकालते हुए पलट लेते हैं। पलटने के बाद जो फ्रंट की सेव आएगी हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी ऐसे, जैसे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से। तो दूसरी साइड का जो पीस है ये भी हम सेम इसी तरीके से तैयार करते हैं जैसे हमने ये किया है, सेम इसी तरीके से ये वाला पीस भी तैयार कर लेते हैं।
इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों साइड में इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जैसे गला तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो सेंटर में हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग हमारी ये वाली होगी जो कि कमीज के साथ की हमने तैयार की हुई है। इस प्रकार से नीचे की साइड रखते हुए यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं। गोलाई में यहाँ पे इस प्रकार से घुमाएंगे। पाइपिंग हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। बाहर की साइड यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। एक साइड का जैसे हमने यहाँ पे पैच जो है ये तैयार कर लिया है, दूसरी साइड का भी यहाँ पे सेम पाइपिंग लगाते हुए हम पैच को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने पाइपिंग दोनों साइड की कंप्लीट कर ली है। बहुत सुंदर सा हमारा यहाँ पे नेक वाला डिजाइन यहाँ तक तैयार हुआ है। अब हमें जितना डीप रखना होता है गला, यहाँ पे जैसे 8 इंच रखना है तो हमें 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है इस प्रकार से। और दोनों पॉइंट का ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही चीज होती है फिनिशिंग वाली कि कहीं पे अगर कोई फर्क आ जाता है तो फिनिशिंग हमारी सारी खराब हो जाती है। अब हमें नीचे की साइड एक पट्टी रखते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरीके से रखेंगे और जो पाइपिंग वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड भी रखेंगे सेम इसी तरीके से। इस प्रकार से हमने यहां तक का गला ये अपना कंप्लीट कर लिया है जो कि 8 इंच डीप है हमारा यहाँ पे तैयार आएगा। अब हमें दोस्तों ये पैच अटैच करना है कमीज के फ्रंट में। यहाँ पे दोस्तों दोनों पीस जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए हैं, अब हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम यहाँ पे फ्रंट लेंगे, फ्रंट में भी हमें पाइपिंग निकालनी है। हमें यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे ये मार्जिन लिया है जब हमने यहाँ पे कटिंग की थी इस प्रकार से, ये पीस ऐसे कटिंग किया था, तो यहाँ पे हमने 1/4 इंच का मार्जिन लिया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस पीस को हम सेंटर पॉइंट में ऐसे रखते हैं ऊपर मिलाते हुए, यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। और यहाँ पे हमारा 1/4 इंच की बाहर की साइड मार्जिन आएगा जो कि हम निशान के साथ में कंप्लीट करेंगे। इससे आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा कि हमें कहाँ पे कितना मार्जिन लेना होता है यहाँ पे। और इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं ऐसे। इस तरीके से नीचे की साइड भी 1/4 इंच मार्जिन आएगा, यहाँ पे भी हम 1/4 इंच पे इस तरीके से मार्क करते हैं। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लेते हैं। ये पीस रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार सेंटर पॉइंट में, ये पूरा सेंटर में आना चाहिए, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे इस साइड से 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए
यहाँ पे 1.25 का मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी निशान कंप्लीट करेंगे। ये जो निशान है जो हमने लगाए हैं ये अंदर की साइड जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे पूरी लेंथ बना लेते हैं, लेंथ है हमारी 14 इंच की, तो यहाँ से भी 14 इंच रखते हुए बिल्कुल सीधा यहाँ पे भी निशान ये कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये पूरा चौरस हमने यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लिया है, जो कि यहाँ पे जब हम अटैच करेंगे तो पूरा प्रॉपर निशान के ऊपर आएगा। अब हमें पाइपिंग लगानी है इस पीस में, जो हमने कमीज का फ्रंट कटिंग किया है इसमें पाइपिंग लगाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से कट लगाते हैं ऐसे, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से ओपन करेंगे। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे पहली पाइपिंग हमारी इस प्रकार से अटैच होगी ऐसे। यहाँ पे रखेंगे पाइपिंग, बिल्कुल नोक पे रखनी है आपने, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इस प्रकार से। बिल्कुल पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हल्का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे दोनों साइड से ऐसे। तो ये पाइपिंग हमारी नीचे की साइड लग चुकी है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगी ऐसे। अब हमें दोनों साइड पाइपिंग लगानी है, तो यहाँ पे भी पाइपिंग लगाने का तरीका हमारा सेम होगा। इस बार पाइपिंग जो हम लगाएंगे तो इस निशान के ऊपर ही लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे रखेंगे, और जो हमने मार्जिन का निशान लगाया था सेम उसी के ऊपर यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी आपका कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधी सिंपल सी हमने पाइपिंग निकाल ली। अब इस कपड़े को हम इस साइड फ्रंट को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं बिल्कुल सीधा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम इस पॉइंट पे ही सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से करते हुए यहाँ पे भी मार्जिन कट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो सेव आएगी इस प्रकार से आ जाएगी पाइपिंग की ऐसे, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में। तो सेम इसी तरीके से हम इस साइड में पाइपिंग निकाल लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने तीनों साइड में यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट में रखते हैं, जो हमने निशान लगाया था उस हिसाब से, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई आप एक साइड से कहीं से भी लगा सकते हो, सेंटर पॉइंट से भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से रखते हुए अटैच करेंगे। फिनिशिंग के साथ में आपने यहाँ पे अटैच करना है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। एक साइड में हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है पेन, अब हम दूसरी साइड को भी अटैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर का काम करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से अपना पैच कंप्लीट कर लिया है पिनटेक्स वाला। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत प्यारे से पिनटेक्स हैं दोनों साइड में। अब हमें यहाँ पे काम करना है कोडियो वाला, जो कोडी होती है इनको हम कंप्लीट कैसे करते हैं
ये करेंगे हम एंकर के धागे के साथ। एंकर का धागा लिया है हमने यहाँ पे कमीज वाले कलर का। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पैच अपना कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड से अटैच करते हुए। अब हमें यहाँ पे बीच में ये लगानी है कोटियां जो मैंने शुरुआत में दिखाई थी। तो इनको कैसे कंप्लीट करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों हम एंकर का धागा लेते हैं इस प्रकार से और उसको सुई में डाल लेते हैं। इस तरीके से सुई में हमने डाल लिया है। अब हमें यहाँ पे एक साइड से शुरुआत करनी है, कहीं से भी हम शुरुआत करेंगे। निशान हम लगाए हुए हैं इस प्रकार से, तीन पीस एक दो तीन यहाँ पे आएंगे, दो हमारे यहाँ पे आएंगे, फिर इस साइड में भी ऐसे तीन इधर आएंगे दो इधर, 10 से 11 या 12 जितनी भी आप लगाना चाहो यहाँ पे ये लगा सकते हो कोटियां। तो हम शुरुआत करेंगे यहां से इस तरीके से, ऐसे निकालेंगे हल्का सा गैप रखते हुए यहाँ पे इस प्रकार से चावल टांके की तरीके से ये धागा निकालते हैं सीधा ऐसे, जहां तक हमारा निशान आता है वहां तक हम इस प्रकार ही चावल टांका लगा लेते हैं इस तरीके से। बड़ा छोटा आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब यहां से हम इस प्रकार से निकालेंगे कोडी को और नीचे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। फिर से हम एक बार निकालेंगे नीचे से, ये जो सुइयां होगी हमारी कोडी के बीच में से निकलनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे दूसरी साइड में ऐसे टांका लगाते हुए पक्का करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये पक्का कर लिया है। अब हम नीचे की साइड चलेंगे कोटी के, हल्का सा गैप रखते हुए ऐसे, और फिर से हम यहाँ पे बाहर की साइड धागा निकाल लेंगे इस तरीके से। ये तो हमारा पक्का हो गया है यहाँ पे, ये कोटी जो होगी ऐसे ही रहेगी। अब हमें हल्का हल्का गैप रखते हुए जैसे मैंने बताया था सेम उसी तरीके से हम सुई को फिर से निकालते हुए आगे की साइड बढ़ते हैं इस प्रकार से, और जहां तक हमारा दूसरा निशान होता है वहां तक हम सेम इसी तरीके का काम करते हैं। दूसरा निशान हमारा आ चुका है, यहाँ पे भी हम एक कोटी ओढ़ लेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे सेम इसी तरीके से। यहाँ पे आपने हल्का सा कोई फेविकोल लगा के इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। वैसे जब ये हल्का लूज हो जाता है धागा अपने आप ही इसकी नीचे ऐसी पड़ी रहेगी, ये ऊपर की साइड नहीं उठेगी। तो यहाँ पे भी तरीका सेम होगा हमारा। तरीके से अब नीचे की साइड निकालते हुए हम ऐसे थोड़ा लंबा टांका लगाते हुए बैक साइड में निकालेंगे इस प्रकार से। तो ये भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है। अब आगे की साइड भी हम सेम इसी तरीके से काम कर लेते हैं जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने चावल टांका लगाते हुए ये कंप्लीट कर ली एक लाइन। अब मैं आपको दूसरी लाइन दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने सुई चेंज की है, जो पहले वाली सुई थी हमारे पास थोड़ी मोटी थी तो वो दिक्कत आ रही थी
हमें यहां से एक साइड से इस तरीके से शुरुआत करनी है ऐसे, और यहां पे हल्का हल्का गैप लेते हुए इस तरीके से जैसे चावल टांका होता है उस तरीके से यहां पे काम कंप्लीट करना है, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो। इस तरीके से सफाई के साथ में अब हम यहां पे जो कोडी है हमारे पास ये वाली लगाएंगे, कोडी इस तरीके से रखते हुए नीचे से निकालेंगे धागा ऐसे, और फिर उसी पॉइंट पे हम दोबारा से निकालेंगे और यहां पे फिर एक बार फिर से निकालेंगे ताकि अच्छे से ये पक्का हो जाए नीचे की साइड। इस तरीके से इसको पक्का कर लेते हैं इस पॉइंट पे। अब हम जहां तक कोटी की लेंथ होती है वहां पे जाएंगे नीचे से धागा निकालते हुए ऐसे, और फिर से यहां पे सेम इसी तरीके से चावल टांके का काम करेंगे। कॉटन जो होता है वो हल्का टाइट होता है कपड़ा, तो इसमें थोड़ी टाइटनेस होने के कारण भी हल्की दिक्कत आ जाती है। इस प्रकार का ही हम काम यहाँ पे पूरे पीस में करेंगे। दो लाइन यहाँ पे आएंगी एक और दो, और दो लाइन हमारी बाहर की साइड आएंगी, तो सेम इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे चावल टांके के साथ में कोडिया को कंप्लीट कर लिया है, और बहुत सुंदर सा हमारा यहाँ पे डिजाइन आएगा। ये इस तरीके से हिलती हुई रहेंगी और बहुत प्यारा सा, जैसे हमने बताया था डिजाइन हमने कंप्लीट करना था तो कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।